ब्रदर का नाम सोनू है, जे अमृतसर से रहने वाले हैं। जे ब्रदर की गवाही जे के जे कुल्फी बेचने का काम करते हैं, और जे ब्रदर ऐसे हमारे चर्च के बाहर अपनी कुल्फी बेचते थे। और एक ऐसे ही एक दिन जैसे जे ब्रदर कुल्फी बेच रहे थे, तो जे ब्रदर बताते, क्योंकि जे बिल्कुल भी प्रभु के ऊपर बिलीव नहीं थे करते, और जैसे प्रभु के दास ऐसे वचन से उत्साहित कर रहे थे, और उस दिन ऐसे प्रभु के दास ऐसे उत्साहित करते करते ऐसे कौए के स्टोरी के बारे में भी बताया कि कैसे कौआ जो था वो अपने ऐसे घड़े में पानी की कंकर डालता था और पानी ऊपर आता था। कितनी मेहनत के साथ ऐसे उसने किया, तो उसकी जो प्यास थी बुझ गई। तो जैसे जब ब्रदर ने सुना, तो प्रभु के दास ने और भी सिखाया कि ऐसे हम अगर परमेश्वर में अपनी मेहनत को करते, तो परमेश्वर हमें कभी भी ब्लेस जेनी के हमें ब्लेस नहीं करेंगे, हमें उसका फल देंगे। तो जैसे जब ब्रदर ऐसे चर्च के बाहर इस वचन को सुन रहे थे, तो इनका जे वचन ने इनके मन को छुआ। और जैसे उस दिन इनका भी कोई भी ऐसी कुल्फी नहीं थी बिकी, तो पहले इनके मन में आया कि अभी जे चले जाएंगे। फिर जब ब्रदर ने सोचा कि नहीं, आज जैसे प्रभु के दास सिखा रहे हैं, अब आज इस वचन को पूरा ही सुन के जाएंगे। तो जे सुनते रहे, और सुनने से इनका विश्वास बढ़ गया। और जैसे समाप्ति हुई, और जे ब्रदर बताते कि 3 बजे के बाद 1 घंटे में जो इनका 1300 के ऐसे माल था जो कुल्फी का, तो वो उसी समय 1 घंटे में बिक गया। और उसी दिन परमेश्वर ने इनको जो जैसे ब्लेस किया, तो जे बताते कि पहले कभी भी इतनी सेल नहीं थी हुई जैसे उस दिन हुई। तो बाद में फिर ऐसे जब ब्रदर नेक्स्ट मीटिंग में आए, और उसी दिन भी जो संगति में नहीं बैठे, अपनी कुल्फी बेचने के लिए आए और बाहर से ऐसे मीटिंग को सुन रहे थे, जैसे प्रभु के दास उस दिन उत्साहित कर रहे थे, बीज के विषय में ऐसे बता रहे थे कि जैसे हम जितना बीजेंगे उतना ही काटेंगे, जो थोड़ा बीजेगा वो थोड़ा और जो ज्यादा बीजेगा वो ज्यादा काटेगा। तो जैसे जे ब्रदर ने सुना, तो जे ब्रदर बताते कि उस दिन इनका जो ऐसे कुल्फी बेची थी उससे ऐसे थोड़े पैसे थे, पर फिर भी जे ब्रदर ने बताया कि उससे भी इस ब्रदर ने ऐसे 20 रुपये निकालना शुरू किया। और परमेश्वर ने उस दिन से इस ब्रदर को बहुत सारा ब्लेस किया। और फिर नेक्स्ट इस ब्रदर ने ऐसे 50 रुपया निकालना शुरू किया। तो आज ब्रदर बताते कि जैसे पहले अपने गांव में ऐसे गांव में जाते थे कुल्फी बेचने, तो इतना ब्लेस कभी नहीं होते थे जितना प्रभु की सच्चाई को जान चुके। अब जिस संगति में आकर संगति को सुन रहे हैं, तो आज परमेश्वर ने इस काम से इनको बहुत सारा ब्लेस किया है। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया पूरी जोर के साथ। सुनो सुनो, एक चीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं कि उसने इसे कैसे बुलाया। हाँ, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, हर एक को वो कैसे बुलाता है। हाँ, किसी को गुड न्यूज मिलती है, कोई दूसरा कोई शुभ समाचार देता, उसे कोई बीमारी में है, कोई किस हालत में है, तो वो बताता है, तो वो चर्च आते हैं। हाँ, पर ये कुल्फी बेचने का काम करते हैं, और आज तो लॉकडाउन है, तो जब कुल्फी बेचने के लिए ये यहां पे आ जाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। हाँ, तो उस दिन पहले दिन जब ऐसे हुआ कि कितना टाइम हो गया, 12 बज चुके थे और कोई भी कुल्फी नहीं थी, कोई भी कुल्फी नहीं, और ये निराश हो रहे थे। क्या हो रहे थे अपने मन में? और मैं यहां पे यहीं पे खड़ा, मैं प्रीच कर रहा था, मैं परमेश्वर के बारे बता रहा था, और मैं एक चीज बता रहा था कौए की। हाँ, उदाहरण, जैसे हम थर्स्टी क्रो, हाँ, एक कहानी, एक स्टोरी है। तो मैं बता रहा था कि एक जैसे एक पंछी, एक जीव है, तो उसने भी मेहनत की। क्या की? पानी गड़े में बहुत नीचा था, मतलब तो उसने मेहनत की, एक एक कंकर को उठाया और उस गड़े में फेंकता गया। हाँ, तो उसने मेहनत की और पानी क्या है, ऊपर आया, और बाद में उसने अपनी प्यास बजाई और उठ गया। हाँ, तो उसने पहले दिन उस स्टोरी को, उस कहानी को देखा कि हाँ, अगर एक जीव, एक हाँ, अगर वो ऐसे मेहनत करके उसने अपना मन नहीं खराब किया कि पानी नीचा है, अब क्या करूं, कहां पे जाऊं, उसने मेहनत की। तो उस वचन को के द्वारा परमेश्वर ने इसे छुआ। क्या छुआ? और ये फिर वचनों को सुनने लगा, बाहर ही खड़ा। और बाद में कितना टाइम हो गया, 3 बज चुके थे, तीन बज चुके थे,
और 3 बजे के बाद जब ये संगति से समाप्ति हुई तो लोग जब जाने लगे तो कितनी सेल हुई, इनसे पूछते हैं। हालेलुया हालेलुया, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। माइक पास करो थोड़ा। तो जिसने मुझे इस काबल समझा कि मैं जहाँ खड़ा होके अपने दास के द्वारा अपनी गवाही को दे सकूं, जहाँ खड़े होना किसी आम आदमी की बात नहीं है, तो जैसे ही मैंने जैसे जैसे इनको सुनता गया, मेरी प्रभु में इच्छा और भी बढ़ती गई है। हर रोज हर मीटिंग को अटेंड करना और ये नहीं सोचना कि अब मैंने रोजगार करना है, बस यही सोचना कि आज मैंने इस प्रचार को सुनना है, दास के मुंह से निकले हुए वचनों को अपने अंदर लेना है और हर एक वचन को मन से दिल से सुनना है। हाँ, सुनो मैं एक चीज, ये क्यों ऐसे बोल रही है, क्योंकि ये खाली पहले अपने काम के लिए आते थे, फिर हर संडे किसके वचन के लिए आने लगी, हाँ किसके, है ना, हाँ बताओ अभी। तो जैसे ही मैं आने लगा, मेरा रोजगार भी चलने लगा और मुझे इनके वचनों के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान भी होने लगा। तो अब मैं इतना ही करता हूँ कि मुझे काम की चिंता नहीं है, सिर्फ मैं मसीह में आया हूँ, मसीह के जीवन में आया हूँ। जब आप पहले दिन आपकी सेल्स हुई, कितनी सेल हुई थी? 1300 रुपए की। 1300 हुई, हाँ जी हाँ जी। तो फिर आपने उस पैसों से क्या किया? उस पैसों से मैंने नहीं, पहले दिन तो सेल हुई है ना खाली, हाँ जी। नेक्स्ट क्या हुआ दूसरे दिन, फिर जो दूसरी मीटिंग में? दूसरी मीटिंग में ऐसा हुआ कि जब मैं आया तो बीज के बारे में बता रहे थे। हाँ, बीज के बारे में, बीज में के बारे में बता रहे थे। तो उसी दिन से मैंने 20 रुपए निकालने, परमेश्वर का दसवंत जो है बीज है, निकालना शुरू कर दिया। तो एक दिन एक मीटिंग में ऐसा हुआ कि मैंने सिर्फ 750 रुपए कमाया, लेकिन फिर भी अपने मन को हल्का नहीं किया और उस दिन भी ये बीज के बारे में ही बता रहे थे कि अगर कम बोगे तो कम काटोगे, अगर ज़्यादा बोगे तो ज़्यादा काटोगे। फिर मैंने अपने मन को निराश नहीं किया, मैंने सोचा आज मैंने कम कमाया है, शायद परमेश्वर मेरे से ज़्यादा चाहता है। तो मैंने उसी दिन कम ने 20 नहीं, मैंने 50 दिए। हाँ। 50 निकाले मैंने, तो एक आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने 1700 रुपए का माल बेचा। सुनो, और परमेश्वर की कृपा से इतना ही नहीं, 1000 रुपए का फैक्ट्री से और लेकर उसमें से 700 का और बेचा। तो देखो सच में जैसे उसके वचन में लिखा है कि वो कंगाल को वहां से उठाकर कहां पे बैठाएगा, हाँ क्या कर सकता है? एक आम बंदे को भी वो यूसुफ जैसे राजा बना सकता है, दाऊद जैसे राजा बना सकता है। ये नहीं है कि ये कुल्फी बेचने का काम करता है, परमेश्वर महान है, कल को ये अपनी फैक्ट्री भी लगा सकता है। आमीन। क्या लगा सकता है? क्योंकि वो परमेश्वर है जिसके वचन को इसने सुना है। समझ रहे हो? देखो मैंने कहा था ना, बात 10 या 20 या 50 की नहीं, बात है कि हम परमेश्वर के साथ कितना खरे हैं। समझते हो क्या है, कितना खरे हैं। और इसने पहले 20 डालने लगा उस 20 के नियम को सुनकर, और इस दिन क्योंकि कभी कभी शैतान भी क्या करता है, समझते हो, हालात दिखाता है ना कि ले बंदे तू बड़ा खुश था, देख आज कुछ भी नहीं है, चल अपने अपने रास्ते चल। पर इसने उस वचन को सुना कि जो अपनी घटी में भी क्या करता है, ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। और उसने वचन को सुनकर तुरंत क्या किया, विश्वास किया, क्या किया, और उस दिन इसने कम कमाया, मगर ये 20 निकालता और उस दिन इसने 50 निकाले, क्या निकाले। और अगर उसने ऐसा किया उसी दिन तो देखो वो 1700 का माल उस दिन पूरा इसका बिका और 1000 रुपए का और लेकर आया।
फिर उस दिन कितनी दिहाड़ी बनी आपकी? मेरी दिहाड़ी उस दिन कम से कम 800 रुपए बनी। क्या बात है, देखो। क्योंकि वो परमेश्वर है। बोलो क्या है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कुछ ये भी बात कर नहीं सकता है। हाँ, ये बात नहीं कि इसका काम छोटा है। बोलो क्या है? काम सोचेगा ये कुल्फी बेचने का काम है। हाँ, समझते हो? पर परमेश्वर एक कुल्फी बेचने वाले को भी, अगर वो दाऊद जैसे भेड़ बकरियां चारने वाले को राजा बना सकता तो इस कुल्फी बेचने वाले बंदे को भी परमेश्वर बहुत ऊंचा कर सकता है। हाँ, ठीक है। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर, हाँ, क्योंकि अभी इसने अपने मन में ये फैसला कर चुका है कि अभी ये हर संडे किसकी हजूरी में आता है। क्या आता है? क्योंकि ये इसी गांव का रहने वाला है, यहाँ पे ये चर्च है, तो इसलिए सब लोग तो नहीं आ सकते। तू अभी ये हर संडे यहाँ पे आता है किसकी हजूरी में। जैसे और अगर ये ऐसे अभी कर रहा है तो ये नहीं है कि परमेश्वर इसे ब्लेस नहीं कर रहा, हर दिन इसे ब्लेस कर रहा है। ऐसे हो रहा है ना? हाँ जी, ऐसे हर दिन परमेश्वर इसे ब्लेस कर रहा है। और परमेश्वर हर एक को करना चाहता है। क्या चाहता है? हर एक को करना चाहता है। बस उसके वचन पर चलते जाओ और उसकी बातों पर क्या करते जाओ, पढ़ते जाओ, क्योंकि वह सच्चा परमेश्वर है और सबसे सच्चा प्रेम करता है। और वो चाहता है कि मैं अपने सब लोगों को क्या करूं, ऊंचा करूं। और ऐसा सबके लिए परमेश्वर कर चुका है। आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए और आपके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे कामों को कराए। आमेन।